हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आपके लिए और एक गुड न्यूज़ निकल के आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से एक भर्ती निकल के आ रहा है, एक वैकेंसी आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से। इंडियन आर्मी का ऑफिशियल वेबसाइट में ये वैकेंसी पब्लिश हुआ है। पूरा जानकारी दूंगा इस वीडियो में, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। वीडियो को बस एंड तक देखिए, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे सारे डिटेल आपको समझा दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, इंडियन आर्मी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये ऑफिशियल वेबसाइट indianarmy.nic.in, ये है दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है और डेट देख सकते हो 10 जुलाई 2021 को ये वैकेंसी निकल के आया है। और यहाँ पे नीचे कर रहे हो तो पूरा डिटेल दिया गया है, कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, जो मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हो 1/41/2021 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से ये वैकेंसी आया है। रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन JOA MA MTS या फायरमैन एंड फायरमैन एट 41 फील्ड एम्युनिशन डिपोट। तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकल के आया है, ट्रेड्समैन के लिए वैकेंसी है, MTS के लिए, फायरमैन के लिए JOA वैकेंसी निकल के आया है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए मैं वो आप लोग को बता देता हूँ। पहले दोस्तों देख सकते हो ट्रेड्समैन का वैकेंसी है, जो टोटल पोस्ट है 330 पोस्ट ओनली ट्रेड्समैन वैकेंसी है दोस्तों। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, 10th पास होना चाहिए। आपके पास अगर 10th पास है, आपने 10th पास कर रखे हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। जिसके लिए ऑन रिजर्व कैंडिडेट के लिए 143, OBC कैंडिडेट के लिए 89, SC कैंडिडेट के लिए 49 और ST कैंडिडेट के लिए 25, EWS के लिए 31। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है दोस्तों ट्रेड्समैन मेट वैकेंसी है। उसके बाद JOA के लिए 12th क्लास अगर आप पास कर रखे हो तो JOA LDC का रिक्रूटमेंट है। इसमें टोटल जो वैकेंसी है 20 पोस्ट है। नेक्स्ट जो आ रहा है MA, मतलब मेटेरियल असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसी है, जिसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एनी डिसिप्लिन। अगर आपके पास ग्रेजुएट है या इक्विवेलेंट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपके पास मटेरियल मैनेजमेंट में डिप्लोमा है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट जो भर्ती आ रहा है MTS के लिए वैकेंसी है, और MTS में टोटल 11 भर्ती है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए। फायरमैन के लिए वैकेंसी है 10th पास क्वालिफिकेशन और टोटल 64 भर्ती है। नेक्स्ट जो आ रहा है ट्रेड्समैन मेटा, ये एक और पोस्ट है जो जिसके लिए क्वालिफिकेशन 14 वैकेंसी है। इसके लिए 14 वैकेंसी है और क्वालिफिकेशन 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे 10th स्टूडेंट के लिए ज़्यादा भर्ती है, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी है। और यहाँ पे सबकी सैलरी स्ट्रक्चर लिखा गया है, जैसे कि ट्रेड्समैन 10th वालों के लिए लेवल 1 में ज्वाइनिंग होगा, आपकी 10th पास कर रखे हो तो लेवल 1 में 18,000 से आपकी सैलरी शुरू होगा। इसी तरीके में अगर आप ग्रेजुएट या डिप्लोमा स्टूडेंट हो तो लेवल 5 में आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 25 ईयर तक हो तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अगर एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हो तो आज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस यहां पे देख सकते हो दोस्तों, जो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट का सिलेबस भी दे दिया गया है, यहां पे पूरा डिटेल दिया गया है। और इसको ऑफलाइन आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं है, ऑफलाइन इसका फॉर्मेट दिया गया है इसी एडवर्टाइजमेंट में। और इसी एडवर्टाइजमेंट में आपको फॉर्मेट प्रिंट करके यहाँ पे दोस्तों एक एड्रेस दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, इसको लिखना पड़ेगा। और जो एड्रेस है, ये एड्रेस को आपको भेजना होगा दोस्तों, ये एड्रेस में आपको सेंड कर देना है एप्लीकेशन फॉर्मेट को। यहाँ पे फॉर्मेट आप लोग देख सकते हो, नीचे जा रहे हो तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो एप्लीकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द ट्रेड्समैन, ये जो वैकेंसी आया है ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है, तो आपको इसको प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने के बाद आप उस जो दिया हुआ एड्रेस को भेज देना है।
तो दोस्तों यही था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। ये है इंडियन आर्मी के तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से वैकेंसी आया है। आप लोग अगर एलिजिबल हो जरूर कमेंट करना, और इसके रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए मैं आप लोग को सारे डिटेल बता दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।